want to try to stop him, but it keep this way very much. It's talking. Hi, my name is Rashmi Gupta and you're watching me on PNTV. तो basically चंद्रा और जो तारा हैं वो बहुत ही प्यारी बहनें हैं दो, और चंद्रा कुछ भी करती है तारा पे नाम लगा देती है, मतलब ऐसा बहनों के बीच जो होता है वैसा वाला सीन चल रहा है. तो अभी वो आ गई है अपने यहाँ पे ध्रुव की हवेली में आ गई है, जहाँ पर चंद्रा को नहीं पता कि तारा का मकसद क्या है वहाँ पर आने का. तो चंद्रा डर रही है कि अगर यहाँ पर पता लग जाएगा तो बाबा बहुत नाराज़ होंगे, दादी बहुत नाराज़ होगी. तो बट कैसे भी करके तारा वहाँ पर संभाल लेती है और बोलती तू चल देखते हैं क्या होगा वहाँ पे. तो बस हमने वहाँ पे एंट्री मारी और वहाँ पे एंट्री मारने के बाद थोड़ा हिट एंड मिस कहानी होगी ध्रुव एंड तारा की. बट ध्रुव को नहीं पता लग पाएगा कि तारा का नाम क्या है, तारा है या फिर चंद्रा है. तो वो बहुत कंफ्यूज होगा कि वो तारा जिस लड़की को वो देख रहा है वो चंद्रा है कि तारा है. तो ये बहुत मतलब कुछ ट्विस्ट है और बहुत ही प्यारा ट्विस्ट है, जहाँ पे अब चंद्रा को भी क्या ध्रुव पसंद आ जाएगा ये भी एक क्वेश्चन सामने आता है. तो लेट्स सी. मतलब मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और इंस्टा पे, फेसबुक पे, मतलब जहाँ भी मैं अपना पोस्ट करती हूँ पिक्चर्स, तो वहाँ पे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मतलब मैम आपकी सुपर एंट्री हुई है, बहुत अच्छा, बहुत आप दोनों में इतना बहनों में प्यार दिख रहा है. हमेशा आपने नेगेटिव प्ले किया है, आज इस बार पॉजिटिव प्ले कर रहे हो, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है. तो होपफुली जैसा भी कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया है वैसे ही ग्राफ हो, और आगे तो यू नेवर नो कि चंद्रा पॉजिटिव ही रहेगी या नेगेटिव रहेगी. बिकॉज देखो हर चीज़ पॉजिटिव रहेगी तो फिर शो तो नॉर्मल हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो टर्न एंड ट्विस्ट होना चाहिए. तो क्या पता चंद्रा नेगेटिव भी हो सकती है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.